कल बाजार के ओपन होने के पहले कुछ सेंटीमेंट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बाजार के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि आज बाजार जब ओपन हुआ था तो फर्स्ट सेशन के अंदर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 सभी वीक देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद में वापिस आपको बाजार में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिले और यहाँ पर खरीदारी का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आज आपको 374 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर भी आपको 109 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और सबसे अच्छी बात जो आज बाजार में आई है वो है निफ्टी बैंक को लेकर। निफ्टी बैंक आपको वापिस यहाँ से मजबूत होते हुए देखने को मिला है। 669 पॉइंट की तेजी आज आपको निफ्टी बैंक के ऊपर देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने आपको हर बार की तरह बताया है कि निफ्टी बैंक जब तक यहां पर मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको बाजार के अंदर गिरावट या फिर कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी बैंक यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा परसेंटेज कैप्चर करता है। इसी के बाद में अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी आज आपको, निफ्टी मिड कैप के अंदर भी आज आपको 106 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आज तो बाजार पॉजिटिव था, लेकिन कल आपको बाजार के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके पीछे के कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोविड की सिचुएशन तो आपको पता ही है कि सेकेंड वेव यहाँ पर इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है। अगर हम लास्ट 24 आवर्स के केसेस की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर 314,835 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। और इन्हीं केसेस को अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर, अगर आप ग्राफ में भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्राफ के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर बाज़ार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। इसी के साथ जो सिचुएशन सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में वर्स्ट हो रही है, उसमें सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर लास्ट 24 आवर्स में 67,468 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। और महाराष्ट्र का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो महाराष्ट्र के ग्राफ में भी आपको बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल रही है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को यानी कि कल ही के दिन यहाँ पर न्यू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है महाराष्ट्र को लेकर। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र के अंदर फुल लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन इस ब्रेक को, इस चेन को जो यहाँ पर चल रही है कोविड 19 के केसेस की, उनको यहाँ पर ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अब आपको थर्सडे से यानी कि आज से महाराष्ट्र में 8 बजे से लेकर 1 मई तक यहाँ पर सुबह 7 बजे तक आपको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर जो ट्रेवलिंग की कैपेसिटी है उसे भी यहाँ पर पैसेंजर की जो कैपेसिटी है उसे भी यहाँ पर 50% कर दिया गया है। और यहाँ पर जो इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ता है उसके ऊपर लगभग 50,000 रुपये तक का फाइन भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। और इसी के साथ में अगर आपने मार्केट के अंदर न्यू एंट्री बना रखी है तो अभी आपको मार्केट में सिर्फ वॉच करना है मार्केट को, क्योंकि यहाँ इस लेवल पर एक छोटी सी एंट्री भी आपकी पूरी कैपिटल को यहाँ पर ख़त्म कर सकती है। इसी के साथ में जो सारी अपडेट्स आज हमने मॉर्निंग सेशन में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी, वही सारी चीज़ें आज भी आपको मार्केट में देखने को मिली है। आज ही हमने आपको सुबह ही मॉर्निंग में अलर्ट कर दिया था कि मार्केट में ओपन फ्लैट नेगेटिव एंड इट विल गो अप देन प्रॉफिट बुकिंग इज शेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव ओपन हुआ था, उसके बाद में ही आपको मार्केट के अंदर सेकेंड सेशन में बाइंग बढ़ने से यहाँ पर एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इसी के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन स्टॉक्स भी शेयर किए जा रहे हैं, और उसी के साथ में सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स भी यहां पर शेयर किए जा रहे हैं। तो यहां पर सुबह आपको जो यहां पर प्राइस एक्शन स्टॉक्स शेयर किए गए थे, 2 शेयर शेयर किए गए थे, जिसमें टाटा स्टील और सन फार्मा यहां पर शेयर किए गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स में आज आपको टाटा स्टील का भी नाम देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आपको सारी शेयर मार्केट की अपडेट्स और न्यूज़ कंटिन्यूसली वहां से मिलती रहती है।
इसी के साथ अगर हम बात करें भोपाल की, भोपाल एमपी स्टेट के अंदर आने वाली एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्स्ट होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि भोपाल में एक्टिव केसेस की अगर बात करें हम तो 9057 एक्टिव केसेस है और वहाँ पर एक भी बेड नहीं बचा है। भोपाल पूरी तरीके से यहाँ पर बेडलेस हो गया है और आने वाले टाइम में अगर बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती हुई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल एमपी स्टेट की कैपिटल कहलाती है। इसी के साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी अब आपको यहाँ पर 200 आईसीयू बेड्स की यहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट 2 डेज यानी कि अगले 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट की, तो जैसा कि आपको पता है कि यूरोपियन मार्केट का इम्पैक्ट भी आपको इंडियन इक्विटी बाज़ार के ऊपर देखने को मिलता है, तो अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट के अंदर तो अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहां पर निकल कर आ रहे हैं, हालांकि सारी चीज़ें मॉर्निंग के अंदर ही क्लियर हो पाएगी। तो मार्केट के ओपन होने के पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको सारी सारे मार्केट के एनालिसिस समझ आ जाएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है मार्केट के अंदर। और यदि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, यदि आपने मार्केट के अंदर अभी फ्रेश एंट्री ली है, तो इस टाइम पर जो मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहे हैं, वॉलेटिलिटी चल रही है, तब आपको मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना है। दूर रहने से मतलब है खरीदारी बिक्री नहीं करनी है, आपको स्टडी करना है, मार्केट को वॉच करना है, अपना पोर्टफोलियो आप बनाकर रख सकते हैं जिसमें आप ऐसे शेयर्स को सजेस्ट कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, और इसी के साथ में एक राइट टाइम आने पर आप उन शेयर्स के अंदर फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। इसी के साथ अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वीडियो बनाने तक अगर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे आप तो डाउ जोन्स के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ग्लोबल मार्केट वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में 69 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि ये ज़्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालने के हिसाब से यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव रहते हैं तो वो भी इंडियन इक्विटी बाज़ार के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर हम नैसडेक की बात करें तो नैसडेक कंपोजिट के अंदर आपको 0.22% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के ओवरऑल क्या सिनारियो रहते हैं वो आपको मॉर्निंग सेशन में हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। उसी के साथ में आपको कल भी प्राइस एक्शन स्टॉक्स हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। और मार्केट फर्स्ट सेशन में कैसा रहता है, यहाँ पर फ्लैट बाइंग देखने को मिलती है आपको या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, वो भी हमको यहाँ पर सारी चीज़ें मॉर्निंग सेशन में आपको टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का कल जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 31,200 रुपये का। अगर निफ्टी बैंक 31,000 के सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको वहाँ से ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ में निफ्टी बैंक की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी बैंक का कल का रेजिस्टेंस 32,100 रुपये का रहेगा। अगर निफ्टी बैंक अपने रेजिस्टेंस को फर्स्ट सेशन के अंदर अचीव कर लेता है तो आपको और बड़ी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस प्रकार के सेंटिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट सेशन आपको यहां पर नेगेटिव देखने को मिल सकता है, तो आपको यहां पर अलर्ट रहना है, बड़ी गिरावट यहां पर आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल 14,000 रुपये का है, और निफ्टी 50 के अगर यहां पर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,700 रुपये का इसका यहां पर रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, तो निफ्टी 50 को भी आपको यहां पर रडार में रखना है। इसी के साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का यहाँ पर मन बना रहे हैं और यदि मार्केट के अंदर अभी आपने फ्रेश एंट्री ली है तो मैं यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसके अंदर आप एक ही गलत दाव में यहाँ पर अपनी पूरी कैपिटल को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मार्केट के अंदर प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा हावी है। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं आप पर, लेकिन अभी आपको यहाँ पर स्टडी करना है, मार्केट को पूरा एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ों को यहाँ पर समझना है कि कौन सी न्यूज़ मार्केट के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स की तरफ से भी यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आई है, यूके के अंदर टाटा मोटर्स ने अपनी जेएलआर की सेल को यहाँ पर शट डाउन कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको
टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ कल भी यहाँ पर आपको एक न्यूज़ देखने को मिली थी, ऑटो सेक्टर कंपनियाँ अब शटडाउन कर रही है अपने रनिंग बिजनेस को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, तो वो सारी चीज़ें भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। फार्मा सेक्टर के अंदर भी आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, हालांकि फार्मा सेक्टर में अभी और थोड़ी सी तेज़ी बनने के संकेत हैं। तो इन सारे पॉइंट को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, और हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहेगी।